जब से मेरी शादी हुई थी मेरी बीवी ने तो मेरी और मेरे सब घर वालों की जिंदगी बदल कर रख दी थी हर कोई बीवी से बहुत खुश था क्योंकि मेरी बीवी एमजोन पर काम करती थी और महीने का लाखों रुपए कमाती मगर मेरी बीवी रात को कमरा बंद करके ये काम करती और किसी को अंदर ना आने देती मेरे घर वाले खुश भी थे और मेरी बीवी पर शक भी करते लेकिन मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन था क्योंकि वो खानदान के सब मर्दों से पर्दा करती और बहुत नेक थी हर महीने मेरी बीवी के नाम का एक पार्सल आता जिसे वो सबसे छुपा कर रखती मुझे भी हाथ तक ना लगाने देती मुझे इस बात पर बीवी पर शक हो गया एक दिन वो पार्सल खोल कर देखा तो पांव तले से जमीन निकल गई क्योंकि उसमें तो हमारे घर में हम पांच बहन भाई थे मेरे अलावा दो बहनें और अम्बी अब्बू भी थे हमारा घर बहुत बड़ा था और कमाने वाले सिर्फ अब्बू ही थे मैं उन्हीं के साथ काम करता था लेकिन उससे गुजारा नहीं होता था मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी और जब तक मेरी शादी नहीं होनी थी बाकी भाइयों की बारी भी नहीं आनी थी बाकी भाइयों ने बातें करना शुरू कर दी कि इसकी शादी करवाई जाए ताकि फिर हमारी बारी भी आए बहनें तो अभी बहुत छोटी थी वो तो स्कूल में पढ़ती थी मुझे शादी से कोई मसला नहीं था लेकिन शहर और खानदान में हमें कोई रिश्ता नहीं दे रहा था क्योंकि हमारे पास ना तो अपना घर था और सब जानते थे कि मेरा भी कोई पक्का काम नहीं है मैं अपने माँ बाप के आसरे पर हूँ अम्मी को अपनी बहन से बड़ी उम्मीदें थीं कि वो अपनी बेटी जरूर देंगी लेकिन उन्होंने भी सीधी बात कर दी कि हमने तो अपनी बेटी के लिए लाखों का जहेज बनाकर रखा है जब से वो पैदा हुई है तब से हम उसके लिए चीजें ले रहे हैं आप लोगों का तो अपना घर भी नहीं है कभी एक घर तो कभी दूसरे घर ऐसे में इतना सामान उठाकर इधर उधर रखने से तो मेरी बेटी का सारा सामान खराब हो जाएगा और जिस घर में आप रहते हैं उस घर में तो सामान पूरा भी नहीं आएगा चाहे आप सारे घर के कमरे उसी को दे दे दरअसल वो इनकार करना चाहती थी और साथ में हमें नीचा दिखाना चाहती थी बाहर से भी कोई रिश्ता आता तो पूछ कूछ करता और मोहल्ले वाले यही कहते थे कि इनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं फिर किसी ने मशवरा दिया कि किसी गांव से लड़की ले आओ गांव वाले लोग इतनी पूछ कूछ भी नहीं करते और गांव की लड़कियां तो शहर में आकर वैसे ही खुश हो जाती हैं मेरी माँ ने अपने रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक निकाला और गाँव से एक लड़की को पसंद कर लिया अम्मी जहाँ से लड़की ला रही थी वो लड़की कितनी समझदार थी ये तो मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था के घर वालों को एक लड़की चाहिए जो घर के काम करने में बहुत अच्छी हो लेकिन मैं तो उसके पास बैठ बातें भी नहीं कर सकता था उसे तो सिर्फ चूल्हे और हांडी का ही पता होता था नॉर्मल सी शक्ल और सूरत की थी घर वालों ने बताया कि तुम्हारी होने वाली बीवी पढ़ी लिखी भी है मैंने सोचा चलो पढ़ी लिखी तो है इस बात पर राजी हो गया मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी घर आ गई शादी की रात मैंने मुंह दिखाई में उसे सोने की अंगूठी दी जो ज्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन मेरी माँ की थी मुझे कहा था अपनी बीवी को दे देना पर अंगूठी देखकर उसने एक अजीब सी बात कर दी और मैं हैरान रह गया मुझे सोने की अंगूठी नहीं चाहिए बल्कि इसको बेचकर आप मुझे एक कंप्यूटर ला दे ऐसा कंप्यूटर जिसका नेट बहुत तेज चलता हो जिसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ हो यानी कि वो वेब गेम की बात कर रही थी मैंने उससे कहा कि तुम कंप्यूटर का क्या करोगी औरतें तो सोने के पीछे मरती जाती हैं, मैं तुम्हें सोने की अंगूठी दे रहा हूँ आजकल तो लोग मुंह दिखाई में चार पाँच हजार रूपए देकर जान छुड़ा लेते हैं और तुम कह रही हो कि ये बेचकर कंप्यूटर ला दूं तब उसने मुझे बताया कि मैं ऑनलाइन एमेजोन पर काम करना चाहती हूँ ये काम तुम्हारी समझ में नहीं आएगा मगर मैं बहुत से पैसे कमाऊंगी अगर आप मुझे कंप्यूटर लेकर देंगे तो मेरे पैसे आना शुरू हो जाएंगे फिर इन पैसों से बेशक आप अच्छी सी अंगूठी फिर से बनवा कर दे दीजिएगा मैंने पूछा कि ऑनलाइन क्या काम करती हो तो कहने लगी अमेजोन का काम करती हूँ मगर मैं आपको समझा नहीं सकती बस आप मुझे कंप्यूटर ला दे फिर मैं आपको बताऊंगी अम्मी की अंगूठी थी उनसे पूछो तो उन्होंने कहा बस अब तुम्हें दे दी है इसका जो मर्जी करो अगर तुम्हारी बीवी कमाई करती है तो अच्छी बात है घर में दो चार पैसे आएंगे अंगूठी तो उसने उंगली में पहन लेनी थी अगर वो कोई काम करना चाहती है तो अच्छी बात है मैंने अंगूठी बेचकर कर बीवी को कंप्यूटर लाकर दे दिया और वो भी कैमरे वाला लेकिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी अम्मी बूढ़ी हो चुकी हैं मेरी बहनें छोटी हैं ये ना हो कि तुम सारा टाइम कंप्यूटर पर बैठी रहो घर में कोई काम ना करो काम भी तुम्हें ही करने हैं मेरी बीवी का कहना था कि मैं सिर्फ 20 मिनट काम करूंगी हम मियाँ बीवी बैठे इसी मौजू पर बात कर रहे थे की मेरी बहन ने बताया की बिजली का बिल भी आया है गैस का बिल भी आया है और राशन भी खत्म हो गया है किसी के पास पैसे नहीं थे अब्बा की जेब में भी जो पैसे थे उन्होंने निकाल कर मेज पर रख दिए और कहने लगे कि अभी अभी शादी पर खर्चा हो गया है जो जमा पूंजी थी वो तो लग गई है अब मेरे पास सिर्फ इतने पैसे हैं जिनसे सिर्फ बिजली का बिल दिया जा सकता है या फिर यू करो कि आज इससे खाना बनाओ बिजली के बिल को छोड़ो बिजली कट जाएगी तो गर्मी में ही आराम से बैठना और गैस नहीं होगी तो लकड़ियाँ जलाना क्योंकि अभी तो मेरी तनख्वाह आने में ही बीस दिन बाकी हैं और हाथ में जो कुछ था वो लग चुका है बीस दिन तक गुजारा कैसे चलेगा मुझे नहीं पता मेरी अम्मी का कहना था मेरी तो एक ही सोने की अंगूठी थी वो भी मैंने उसकी बीवी को दे दी है ये ना कहे कि बड़ी बहू थी और मुझे कुछ नहीं दिया वैसे भी हम उसके लिए कुछ बना भी नहीं सके थे मेरे बाबा ने कहा उससे कहो वो सोने की अंगूठी हमें दे दे फिर बाद में वापस कर देंगे तो मैंने कहा कि वो तो बेचकर मैं कंप्यूटर ले आया हूँ क्योंकि मेरी बीवी ने कोई काम करना था मेरे बाबा ने कहा कि ये क्या काम करेगी अभी हम यही बातें कर रहे थे कि मेरी बीवी ने टेबल पर एक ऐसी चीज रख दी जिसको देख हम सबकी आँखें खुली की खुली रह गयी वो कम से कम भी एक लाख रुपए तो लग रहे थे मेरे बाबा ने कहा लड़की ये सब क्या है कहाँ से लाई हो तुम इतने पैसे तो कहने लगी ये पैसे तो अभी वो बोलने लगी कि मेरी माँ ने कहा ये कहाँ से पैसे लाएगी वो भी इतने इसके बाप ने तो इसको कुछ दिया भी नहीं है और कौन सी इसकी शादी में ऐसे लोग आए थे जिन्होंने इसे सलामी दी हो मेरी बीवी चुपचाप खड़ी थी उसने कहा कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ ये सब उसी के पैसे हैं मेरी बीवी ने चेहरे पर निकाब कर रखा था क्योंकि वे मेरे भाइयों से भी पर्दा करती थी वो शराई पर्दा करती थी इसलिए शराह पर्दे में देवर से भी पर्दा किया जाता है और सुसर से भी। वो पैसे देख कर हम सब तो हैरान ही रह गए बाबा ने कहा ऐसा कौन सा काम करती हो लेकिन मुझे याद आया कि मेरी बीवी ने कहा कि मैं ये नहीं बता सकती तो मैंने बात बदल दी जब वो इतने सारे पैसे दे रही थी हमारा मसला हल हो रहा था तो फिर मुझे उसका साथ देना चाहिए था आप ये पैसे रखिए जाकर गैस और बिजली का बिल भर दे अम्मी आप घर का राशन भी मंगवा ले उम्मीद है कि महीना अच्छा गुजर जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तब तक मैं कोई काम तलाश करता हूँ मैं कमरे में आया और अपनी बीवी से कहा तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुमने पैसे दिए अगली बार ये पैसे इस तरह से मत देना बल्कि पहले मुझे देना मैं खुद दे दिया करूँगा मुझे मेरी बीवी बहुत अच्छी लग रही थी उसने आते ही हमारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया था फिर मुझे पता चला मेरी बीवी महीने का एक लाख नहीं बल्कि कई लाख कमाती है जो महीने के बाद मनियाडर की सूरत में घर आया करते हैं वो ही मनियाडर मैं ही वसूल करता था एक दिन मेरे घर वालों को शक हो गया बिल आखिर पता चल गया कि मेरी बीवी लाखों कमा रही है मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम आराम से अपना काम किया करो अगर तुम्हें काम में मुश्किल होती है तो मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख देता हूँ वो घर के काम करेगी तुम अपना काम कर लिया करना मेरी बीवी ने कहा कि नहीं नौकरानी की जरूरत नहीं है मेरा काम ज्यादा नहीं होता ज्यादा से ज्यादा दस पंद्रह मिनट लगते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा मुझे भी ये काम सिखा दो जब तुम अकेले छह लाख कमा रही हो मैं तुम्हारे साथ ये काम करूँगा तो बारह लाख कमाया करेंगे एक ही दिन में कितने पैसे आ जाएंगे के साल बाद हम लोग बड़ा सा घर भी ले लेंगे मेरा इतना कहना था कि मेरी बीवी के चेहरे का रंग ही उड़ गया उसने कहा नहीं मैं आपको ये काम नहीं बता सकती ये काम सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं मर्द नहीं कर सकते मैं हैरान हुआ कि ऐसा कौन सा काम है फिर मेरी बीवी ने घड़ी की तरफ देखा और कहा मेरे काम का वक्त हो गया है मैंने कहा कि कर लो अपना काम तो उसने एक अजीब बात कर दी कहने लगी पहले आप बाहर जाए मैं फिर अपना काम करूंगी। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है कौन सा काम है जो मेरे सामने नहीं हो सकता मैं बैठा हूँ मैं अपने फोन में मसरूफ रहूंगा तुम्हें तंग नहीं करूँगा तुम कर लो अपना काम अब मुझे तो तजस्सुस हो रहा था मगर मेरी बीवी ने कहा कि नहीं आपको बाहर जाना होगा मैं उठकर बाहर चला गया क्योंकि वो तो मेरे सर पर खड़ी थी अब मैं क्या कर सकता था जिस तरह मेरी बीवी हर महीने के छह लाख रुपए कमाती हमारे घर की हालत बदल गई थी घर में चीजें आना शुरू हो गई थी कमरों की मुरम्मत हो गई, घर में दौलत की रेल पेल हो गई, यहाँ तक कि मेरे एक भाई ने नया मोटरसाइकिल ले लिया मैं तो पहले ही नया मोटरसाइकिल निकलवा चुका था सारे मेरी बीवी से बहुत खुश थे लेकिन कहते हैं किसी को हाथ पकड़ा दो तो वो बाजू ही पकड़ लेता है अब मेरी बीवी के खिलाफ खानदान वाले बातें भी करने लगे थे पता नहीं तुम्हारी बीवी ऐसा कौन सा काम करती है जो महीने के लाखों कमाती है वो भी घर बैठ कर औरत बहुत पढ़ी लिखी हो और बाहर जाकर भी काम करे तब भी इतने पैसे नहीं कमा सकती अफसोस तो इस बात का था कि मेरे अपने घर वाले भी मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बातें करने लगे थे और जब कोई और उनसे ये बात करता तो वो चुपचाप सुन लेते उनको जवाब नहीं देते थे कभी कभी मुझे भी शक तो होता था लेकिन मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था क्योंकि वो शराब पर्दा करती थी वो तो मेरे बाप के सामने भी नहीं आती थी तो फिर उससे किसी और बात की उम्मीद कैसे रखी जा सकती थी मैं इसी बात पर बहुत खुश था कि मेरी बीवी घर के काम भी बहुत शौक से करती और वो भी वक्त पर खाना बहुत अच्छा बनाती सबसे बातें भी करती और धड़ाधड़ कमा रही थी अब उससे अच्छी बीवी किसी की हो सकती थी क्या वो देखने में भी मुनासिब थी मुझे तो अब वो और भी अच्छी लगने लगी थी एक दिन मेरी बीवी के नाम एक पार्सल आया जिसको उसने मेरे हाथ से छीन कर गले से लगा लिया और कमरे में चली गई। मैंने कहा कि ये क्या है तो कहने लगी मैंने ऑनलाइन एक चीज मंगवाई है वो मैंने ऑर्डर नहीं था क्योंकि पैसों को हिफाजत से पहुंचाया जाता है वो पार्सल था यानी कि वो पैसे नहीं थे इतना तो मुझे भी यकीन था मगर मेरी बीवी को ना जाने इस पार्सल से क्या लगाव था कि वो उसे अपने साथ लिए फिर रही थी यहाँ तक कि वो बाथरूम में गई तो वापस आ गई और बाहर से पार्सल उठाकर वो बाथरूम में लेकर चली गई, तो क्या उससे मुझ पर एतबार नहीं था क्या मैं उसका पार्सल खोल कर देख लूंगा इसमें क्या है मैंने कहा कि क्या हो गया है कि इस तरह की हरकतें कर रही हो इसमें क्या है खोलकर दिखाओ खोल कर क्यूँ दिखा लेती तो कहने लगी नहीं मैं खोल कर नहीं दिखाना चाहती मैंने किसी को भी नहीं दिखाना कुछ भी नहीं है ये मेरी कोई पर्सनल चीज है अब हर हफ्ते ऐसा पार्सल आया करता और मेरी बीवी फिर से अजीब हरकतें करती मुझे अपनी बीवी पर शक हो गया था एक दिन एक दोस्त के पास बैठा था जो बहुत ही माहिर था कंप्यूटर के मामला में मैंने पूछा कोई ऐसा काम है जो आप घर बैठे करें और महीने में पाँच से छह लाख रुपए बना ले मेरे दोस्त ने एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर मैं हैरान ही रह गया उसने कहा ऐसी तो कमाई कोई औरत ही कर सकती है मैंने उससे कहा औरत से? तुम्हारा क्या मतलब है कि सिर्फ वो ही कर सकती है तो वो हंसने लगा और कहने लगा तुम्हें नहीं पता दुनिया किस तरफ जा रही है खुद सोचो ऐसा कौन सा काम है जो आप दिन में दस मिनट करें और महीने बाद आपको चार से पाँच लाख रुपए मिल जाएं ऐसा होता तो फिर सब वही काम कर लेते मैंने उससे कहा तुमने ये क्यों कहा कि ये कोई औरत कर सकती है तो कहने लगा अगर ये काम औरत करेगी तो किसी गलत तरीके से ही करेगी एक औरत के लिए गलत तरीके से पैसे कमाना बहुत ज्यादा आसान होता है जबकि सही तरीके से पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है आजकल दुनिया में बड़े अजीबो गरीब किस्म के काम हो रहे हैं तुम्हें तो लगता है किसी बात का पता ही नहीं है पर तुमने ये सब क्यों पूछा मैंने कहा बस वैसे ही क्योंकि मेरा एक दोस्त यही काम करता है मेरे दोस्त ने फिर से एक अजीब बात कह दी उसने कहा कि वो ये काम खुद नहीं करता होगा जरूर अपनी बीवी से ही करवाता होगा आजकल कर लोग बहुत अजीब हैं ये दुनिया बड़ी बुरी है तुझे मैं क्या बताऊँ मैं सारा सारा दिन यही काम करता रहता हूं मैं अपने दोस्त से ये बातें सुनकर घर आ गया और सोचने लगा वाकई मेरी बीवी तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है आज तक उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो क्या काम करती है और कहती है कि कमरे से बाहर निकल जाओ मुझे ऑनलाइन काम करना है दस पंद्रह मिनट काम करने के बाद बाहर आ जाती है और लाखों रुपए कमाती है यहाँ तक कि अब घर में कुछ पार्सल भी आना शुरू हो गए थे जिनको वो किसी से भी शेयर नहीं कर रही थी मैंने सोच लिया कि अब मैं ये पता लगाकर ही रहूंगा कि पार्सल के अंदर क्या है क्योंकि तभी मैं ये जान पाऊंगा कि मेरी बीवी क्या कर रही है मेरे हाथ में कोई सबूत आएगा फिर ही वो सबके सामने रख कर उससे सवाल कर सकता हूँ सच कहूँ तो मुझे बीवी से सवाल करने में थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि वो इस घर में बहुत सारे पैसे दे रही थी और पहले भी दे चुकी थी अगर वो नाराज हो जाती तो फिर क्या होता हो सकता है कि वो कोई सही काम कर रही हो और मेरे इस सवाल से नाराज हो जाती लेकिन फिर दमाग में अजीब अजीब बातें घूमने लगी कि इस तरह तो इतने पैसे कोई भी नहीं कमा सकता मैंने सोच लिया कि देखकर ही रहूंगा कि इस पार्सल में क्या आता है ये पार्सल हफ्ते में एक दफा ही आता आज के दिन बीवी को पहले से ये बहाना बनाकर अम्मी के साथ किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया वो जाने से इनकार कर रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसका पार्सल आना है लेकिन मैंने भी गुस्सा किया कि तुम्हें लाजमी जाना होगा वो चली गई कुछ देर बाद पार्सल आ गया घर पर कोई भी नहीं था मैं उसको लेकर कमरे में आ गया मैं देखना चाहता था कि उसके अंदर क्या है लेकिन थोड़ा परेशान भी था क्योंकि अगर मेरी बीवी कोई गलत काम कर रही थी फिर उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए था क्या मैं अपनी बीवी को छोड़ देता इस तरह तो मेरा घर बर्बाद हो जाता मैं सोचने लगा कि क्या मेरी बीवी कोई गलत काम करती है वो भी मेरी नाक के नीचे मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब उसने मुझसे कंप्यूटर मंगवाया और साथ ये भी कहा कि मुझे कैमरे वाला कंप्यूटर चाहिए कैमरे वाले कंप्यूटर से उसका क्या मतलब था वो मेरे सामने नोट रखती रही और मैं पागल होता गया मेरे घर वाले तो ऐसे ही खर्चे के मारे थे लेकिन मुझे तो सोचना चाहिए था खैर अल्लाह से ये दुआ की कि इसकी हकीकत जानने के बाद मुझे अकल देना ताकि मैं अक्ल से ही फैसला कर सकूं और गुस्से और जुनून से नहीं मैंने पार्सल खोल दिया और सामने जो चीज थी उसको देखकर हैरान रह गया उसमें तो एक खास किस्म के बैग पड़े हुए थे जो शायद किसी ने हाथ से बनाए थे लेकिन बहुत ही खूबसूरत थे मैं उनको देखने लगा उनके अंदर कुछ नहीं था लेकिन उस पार्सल में एक खत था जिसको मैंने जल्दी जल्दी खोला और पढ़ने लगा उसमें लिखा था मैडम ये आपको सैंपल के तौर पर भेज दिए हैं मेहरबानी फरमाइएगा किसी को पता नहीं चलना चाहिए नहीं तो मेरे घर वाले मुझे जान से मार डालेंगे मेरी बीवी वहाँ आ गई उसने देख लिया मैंने कहा ये सब क्या है वो कहने लगी आपने पार्सल क्यों खोला मेरी इजाज़त के बगैर क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं मैं उसकी बात पर घबरा सा गया मैंने कहा नहीं मैं तुम पर शक नहीं कर रहा बस वैसे ही खोलकर देखा है तो मुझे बताओ ये सब क्या है और ये पार्सल किसने भेजा है मेरी बीवी ने कहा कि मैं शादी से पहले गांव की औरतों के साथ मिलकर काम किया करती थी हमारे गांव की औरतें अनपढ़ और मासूम थी उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा था कभी बेटी के रूप में तो कभी बहू के रूप में और कभी बीवी के रूप में तो मैंने उन सबको जमा कर लिया उनको इस तरह के पर्स बनाना सिखाए जो कि हाथ से बनाए जाते हैं खूबसूरत रंगों के साथ इनको सजाया जाता है फिर इनकी तस्वीर लेकर नेट पर डाल दी क्योंकि मैं थोड़ी पढ़ी लिखी थी हमारे घर में एक कंप्यूटर भी था इसके बाद पर्स इतने मशहूर हुए कि मुझे बैरूने मुल्क से भी ऑर्डर मिलने लगे बाहर के लोग मुझे कहते कि हाथ से बनाए खूबसूरत पर्स हमें भी चाहिए यहाँ तक के एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझसे रहा किया मैं दस मिनट काम करके सिर्फ कंपनी के ऑर्डर लिया करती थी और फिर पैसे मेरे नाम पर भेज दिए जाते और गांव की औरतों को उनका हक मिल जाता था मैं किसी को धोखा नहीं दे रही थी मैंने ये सब कुछ छुपाया हुआ था कि वो औरतें अपने खानदान वालों से छुप कर ये काम करती हैं क्योंकि उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो कुछ करे अपने लिए कुछ बना सके इसलिए इस बात को जितना छुपाया जाता है उतना ही अच्छा है लेकिन आजकल मैं सोच ही रही थी कि आपको ये सब बातें बता दूं लेकिन आपने मुझ पर शक करके मेरा मान तोड़ दिया है मैंने अपनी बीवी का हाथ थाम लिया और कहा नहीं नहीं देखो मेरा किसी ने दिमाग खराब कर दिया था फिर तुम भी तो मुझे बताना नहीं चाहती थी इस पार्सल को हर किसी से छुपा कर रखती थी मगर जो भी है तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो तुमने मुझ पर और मेरे घर पर बहुत एहसानात किए हैं मैं कैसे भूल सकता हूँ मुझे माफ कर दो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लेकिन मुझे अपनी बीवी पर फखर था क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही थी उसके बाद मैंने अपनी बीवी को कहा कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा वो अपनी जगह सही थी क्योंकि उन औरतों का मसला था अगर ये बात सरे आम कहीं भी किसी भी तरह निकल जाती तो औरतों को घर से डांट पड़ती फिर वो ये काम भी नहीं कर सकती थी मेरी बीवी का ये बात छुपाना तो बिल्कुल जायज था कि ऐसी बातें जितने कम लोगों को पता होंगी उतना ही अच्छा है मैंने भी ऑर्डर लेना शुरू कर दिया वाकई वो पर्स बहुत खूबसूरत थे बाकी जगहों से भी लोग हमें सैंपल भेजने लगे थे हमसे खरीदारी भी करने लगे हमने एक बहुत बड़ा बंगला बना लिया और ये सब मेरी बीवी की वजह से ही मुमकिन हुआ अब मैंने उस पर कभी शक नहीं किया उसने साबित कर दिखाया कि अगर औरत चाहे तो वो अपने आप को भी संभाल सकती है और अपनी जैसी औरतों के लिए मिसाल बन सकती है